दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यहां पर खबर निकल के आ रही है शिक्षकों के लिए और ये खबर बिहार से है कि परीक्षा अगर नहीं हुई तो 37,800 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये किस परीक्षा की बात कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या यहाँ पर किस प्रकार की बातें हैं। तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च 2019 तक जितने भी शिक्षक हैं उनको डीएलएड करना है, चाहे वो किसी प्राइवेट से डीएलएड कर रहे हैं हो या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एनआईएस से कर रहे हो या कहीं से भी किसी गवर्नमेंट स्टेट से गवर्नमेंट लेवल पे जो डीएलएड हो रहा है वहां से कर रहे हो, कहीं से भी आप डीएलएड कर रहे हो, अगर आप 31 मार्च 2019 तक आप डीएलएड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यहां पर शिक्षक को निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर देखें तो 37,800 शिक्षक के बारे में यहां पर खबर आई है कि डीएलएड कोर्स कर चुके 37,800 शिक्षकों की परीक्षा मार्च तक नहीं ली गई तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण है और ये 2011 में आयोजित टीईटी तो उत्तीर्ण हो गए थे लेकिन ये अप्रशिक्षित थे। इन सभी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इसी को देखते हुए ये 2013 से 2018 के बीच बिहार में डाइट व पीटीसी द्वारा संचालित कॉलेजों से डीएलएड कोर्स कर चुके हैं। अब इन्हें प्रमाण पत्र लेने के लिए परीक्षा का इंतजार है। अगर मार्च 2019 तक इन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला तो ये शिक्षक पद से हटा दिए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सरकार का रूल है ही कि मार्च 2019 तक अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आप शिक्षक पद से हटा दिए जाएंगे और प्राइमरी और मिडिल स्तर के शिक्षकों के लिए डीएलएड कोर्स अनिवार्य है। इसी को देखते हुए प्रदेश भर के 37,800 शिक्षक जो है डीएलएड कोर्स कर चुके हैं, अब वे अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मार्च 2019 तक प्राइमरी व मध्य स्तर के शिक्षकों को डीएलएड कोर्स करनी है। जो शिक्षक डीएलएड कोर्स नहीं किए होंगे उन्हें शिक्षक नहीं समझा जाएगा। पूरे बिहार में 59 यानी कि 59 कॉलेज डीएलएड कोर्स करवाते हैं। ये सारे कॉलेज डाइट और पीटीसी द्वारा संचालित हैं। डीएलएड कोर्स कर चुके सभी अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक यहाँ पर बन चुके हैं। तो चूंकि 2011 के बाद जो शिक्षक टीईटी पास कर गए थे उसके बाद उनको यहाँ पर नियोजित शिक्षक बना दिया गया था और उसके बाद बहुत सारे शिक्षकों ने 37,800 शिक्षकों ने डाइट और पीटीसी के रूप में यहाँ पर जितने भी 59 कॉलेज डीएलएड के थे उनके साथ यहाँ पर जुड़कर अपने डीएलएड की ट्रेनिंग ली और वो लोग फाइनल एग्जाम और फाइनल प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर शिक्षक पद से हटा दिया जाएगा सर्टिफिकेट के अभाव में। मार्कंडे पाठक हैं, महासचिव टीटी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ। उनका कहना है कि पिछले 5 साल से वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली गई है। अगर मार्च 2019 तक परीक्षा नहीं ली गई तो नौकरी पर भी संकट आ सकती है और नौकरी पर भी संकट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसा कि जो भी लोग यहाँ पर शिक्षक हैं वो सब जानते हैं कि आप लोग जहाँ से भी डीएलएड कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के हों और आप स्टेट लेवल पर डीएलएड कर रहे हैं या अगर आप प्राइवेट से डीएलएड कर रहे हैं या अभी जो एनआईएस के द्वारा डीएलएड चल रहा है अगर आप उससे डीएलएड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मार्च 2019 तक यहाँ पर कंप्लीट करना है, नहीं तो वहाँ पर आपको शिक्षक पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एनआईएस से जो डीएलएड चल रहा है उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो मार्च 2019 से डिले होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में उनके संरक्षण में ये कोर्स चल रहा है तो अगर वो मार्च के बाद यहाँ पर अगर 1-2 महीना लेट होता है तो अब यहाँ पर अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफिकेशन देती है, क्योंकि जो एनआईएस से डीएलएड हो रहा है उसमें 13-14 लाख शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं तो उसके बारे में अगर क्या यहाँ पर एनआईएस और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ये लोग मिल के किस प्रकार से यहाँ पर उसका डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं होगी। जो एनआईएस से डीएलएड हो रहा है मैं स्पेशली उसके बारे में बोल रहा हूँ, वहाँ पर अगर मार्च 2019 तक कंप्लीट नहीं होता है तो वो शिक्षकों की गलती नहीं होगी क्योंकि शिक्षकों ने रजिस्टर किया है समय पर और ये टारगेट कोर्स ही किया गया था, वन टाइम कोर्स जिसे कि मार्च 2019 तक कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो आगे देखना होगा कि ये किस
किस प्रकार से ये मार्च 2019 तक कंप्लीट होता है, या अगर नहीं होता है तो क्या यहाँ पर आगे जस्टिफिकेशन होता है। और साथ ही साथ चूंकि एनआईएस से जो डीएलएड हो रहा है वो तो गवर्नमेंट के अंतर्गत हो रहा है, भारत सरकार के अंतर्गत हो रहा है, तो उसे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक जो है सपोर्ट या एक जस्टिफिकेशन होगा। लेकिन आप अगर कहीं अलग से डीएलएड कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट जगह से या किसी स्टेट के जो है सरकारी कॉलेज से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप ये कंफर्म रखें कि मार्च 2019 के तक आपके पास प्रमाण पत्र हो, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षक पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, जिस प्रकार की यहाँ पर रूल है। और ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ये रूल जो है बनने की बात हो रही थी, लेकिन फाइनली ये 2019 मार्च का यहाँ पर फाइनल रखा गया है। तो आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शिक्षक ऑलरेडी हैं भी और एक बार नौकरी चली जाती है तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलें होंगी और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे के अपडेट के साथ हम आपके बीच बने रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, कोई दोस्तों सुझाव या सलाह है आपके पास तो शेयर करिए लोगों के साथ, अगर आप भी लोगों तक सारी बातें पहुँचाना चाहते हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशनल न्यूज़ के लिए तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।